सत्ता का आखिरी सत्य है और इस नंबर गेम का सबसे बड़ा मैदान यूपी है, जिसमें विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव। फिलहाल दीदी ने खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर इस बड़े सियासी खिलाड़ी की कप्तानी की दावेदारी पर विराम लगा दिया। यही वजह है कि जब अखिलेश के सामने खड़गे का नाम आया तो वो इधर उधर की बात करने लगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। कल गठबंधन की बैठक से ठीक पहले ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से अलग से मुलाकात की। इस दौरान वहां अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद वक्त बदल गया, हालात बदल गए और दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की पीएम रेस में एंट्री करवा दी। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब एनडीए को 64 सीटें मिली थी, एसपी बीएसपी को 15 सीट और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। फिलहाल ममता ने खड़गे का नाम आगे करके अखिलेश की दावेदारी को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, इस दाव से ममता ने सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और जेडीयू की रणनीति को भी पलट दिया। हालांकि बीएसपी के नेता अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब बात अस्तित्व बचाने की हो तो पुरानी बातें पुरानी हो जाती है। फिलहाल ममता ने गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के साथ गेम कर दिया है। अब इसका असर क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।